हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज मैं अपने एल्बम के शूट पे हूँ. लोकेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन, कैन सी दिस. लोकेशन बहुत ही प्यारा है और मेरा शूटिंग स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे. आप एल्बम का नाम है बोलबम नगरिया बाबा, सॉरी ब्यूटीफुल नगरिया बाबा के. आप बहुत जल्द आप सबके बीच में ये एल्बम होगा, आप देख सकते हैं. हेलो अशोक कनौजिया जी, प्रमोद ठाकुर जी, दीपक वर्मा, रोहित पांडे, हरर महादेव, हरर महादेव. मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ. अभी यहाँ बारिश हुई है और बहुत ही प्यारा लोकेशन है. जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मेरे एल्बम का नाम है ब्यूटीफुल नगरिया बाबा के. MP3 बहुत जल्द आप सबके बीच में होगा और वीडियो अभी शूटिंग चल रही है तो वीडियो भी बहुत जल्द आप सबके बीच में होगा, आप देख सकते हैं. मैं लाइव हूँ, बहुत दिन बाद लाइव आई हूँ मैं. अभी 112 लोग देख रहे हैं. आइए इधर. ये हमारे वीडियो डायरेक्टर आशीष यादव जी. हाँ दोस्तों नमस्कार. पीछे अपना DOP संतोष भाई भी हाथ जोड़ रहे हैं. आप लोग निशा जी का एल्बम देखें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार दें. और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता हूँ, लीजिए इसलिए ही बोलेंगी. तो आप कुछ बोलेंगे? कुछ ना, सब निक बा. और ब्याह जी गाना के लिए बड़ी ब्यूटीफुल नगरिया बाबा के एल्बम के नाम पर ब्याह जी के ब्यूटीफुल नगरिया बाबा के थोड़ा सा बोलना पहले हम. और बहुत अच्छा लग रहा है मैम का शूट करके आज. और मैम का बहुत चार गाना गाई हैं मैम और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से आ रहा है. और आप लोग प्यार दुलार जैसे देते हैं आप लोग वैसे दीजिएगा. ठीक है, सब देती हैं बहन भाई चाचा सब की बा लाइव में देखा तो सब की होगी. तहे दिल से प्रणाम बा हम कैमरा मैन संतोष यादव की तरफ से. जय हिंद जय भारत. सॉरी संतोष यादव बिट्टू मेरा नाम है. और तो ये थे हमारे कैमरा मैन संतोष यादव जी और हमारे डायरेक्टर आशीष यादव जी. मैं आपको एक लाइन सुनाती हूँ अपने एल्बम के इस गाने का. कि हिले में चले में हिले ना सा, हर चले में हिले ना सा, कर मोहसु सवा मुसवा पियला से राजा जी, तराउर खोरल भांग के जुसवा मुसवा पियला से राजा जी. हेलो सुशील जी, हेलो अजय मिश्रा, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ सुशील जी, आप कैसे हैं? ऑल द बेस्ट निशा जी, लव यू टू. दीपक जी, विनोद जी, हेलो डियर, हेलो विनोद जी, अरविंद चौबे, हर महादेव, नवीन यादव, बोलबम, अतुल जी, नाइस लुकिंग, थैंक यू. हेलो आकाश, कहाँ चल रही है शूटिंग? शूटिंग बनारस में ही चल रही है, लखनिया दरी के पास में. मैं बनारस में हूँ, यूपी, लखनिया दरी के पास. क्यों रेस्ट क्यों मार रहे सब लोग? अरे मैं मार रहा हूँ. आइए शंकर जी. अरे बाप अरे बाप. सितारा जी. सितारा बोले मुझे बाल लगा. शंकर जी मेरा सबसे स्मार्ट है. एक सेल्फी ले. अरे मैं लाइव हूँ तो सेल्फी. ये देखो, ये देखिए, ये हमारे भूत पैदा है. हजारों को प्रणाम. सुपर बोलबम सॉन्ग. थैंक यू प्रकाश चौहान जी, उमेश कुमार जी, हरर महादेव, मनोज यदुवंशी जी. कहाँ कहाँ हो, कहाँ पे शूटिंग चल रही है? शिव पांडे जी, ये बनारस के लखनिया दरी बोल के एक जगह है, वहीं पे शूटिंग चल रही है. लव यू टू विनोद जी. शालिनी शर्मा गुड लुकिंग, थैंक यू शालिनी. आशीष यादव एक्सीलेंट. अच्छा यहीं बैठ के आप लाइव में कमेंट कर रहे हैं? अरे चालू चैप्टर चीज. आकाश क्या हाल है दीदी,
कहाँ हो, आकाश मैं अभी बनारस में ही हूँ, लखनिया दरी में, जैसा कि मैंने बताया बोलबम की शूटिंग चल रही है। बच्चा कुंदन कुमार शुक्ला जी हमारे फिल्म डायरेक्टर, सनम हमार हो मेरी एक फिल्म आ रही है जिसके डायरेक्टर हमारे कुंदन कुमार शुक्ला जी, जो मुझे अभी देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुंदन जी। प्रमोटर कुंदन होटलाली बड़ा मस्त बा, थैंक यू बा, महंगा वाला बानू यही से मस्त बा। जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ। कहीं आपकी एल्बम भी रह गए, व्हाट रबिश। सॉरी बंटी जी, अगर आपको ऐसे वाहियात कमेंट्स करने हो तो आप ना करें। अमजद, निशा जी टकरार मूवी का क्या हाल है? अच्छा हाल है टकरार मूवी का, अभी फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हुआ, सेकंड शेड्यूल लगने वाला है। पुनीत कुमार, बारिश आने वाली है। एक्चुअली पुनीत जी अभी बारिश हुई भी है यहाँ पे, हल्की फुल्की थोड़ी बारिश हुई है, और मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि बारिश फिर से होने वाली है, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी बढ़ गई है यहाँ पे। बट सीरियसली मैं आप सबको बता नहीं सकती कि लोकेशन कितना प्यारा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ ये सारे पहाड़ है एक साइड में, और इसके जस्ट अपोजिट में ये पानी, और ये पानी 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 सारा पानी, सिर्फ पानी। ये यहाँ का लोकेशन बहुत ही प्यारा है, ये बनारस से मे बी 50-60 किलोमीटर है। इट्स नॉट अ लखनिया दरी एक्चुअली, ये लखनिया दरी से भी थोड़ा और आगे है। मुझे इस जगह का नाम समथिंग कोई डैम है, ये मुझे इसका नाम याद नहीं है, तो मैं कब से लखनिया दरी बोल रही हूँ। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ शूट के लिए, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। अरविंद चौबे जी आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, बाबा भोले मनोकामना पूरी करें। थैंक यू सो मच अरविंद जी, एकदम जोगिया लग रही हैं जी। थैंक यू गुलाब जी, शिव पांडे कितने सॉन्ग है टोटल? शिव पांडे जी इस एल्बम में 4 सॉन्ग है। उमेश कुमार जी बहुत ही सुंदर लग रही है निशा जी, थैंक यू उमेश जी। राहुल भट्ट जी हम आपके फैन हैं, थैंक यू राहुल जी। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम बाद लाइव आ पाती हूँ, बट सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जब भी मैं लाइव आती हूँ आप सभी लोग फटाफट काम वाम छोड़ के लाइव देखते हैं और अपना आशीर्वाद अपना प्यार मुझे देते, तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिकॉज हम जो भी है, हम जो भी सिंगर्स हैं या हम जो भी एक्टर्स हैं, आप सबके बदौलत ही हैं। अगर आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं। तो प्लीज़ अपना प्यार अपना आशीर्वाद आप सब मुझे ऐसे ही हमेशा देते रहिएगा, जैसा कि अभी तक आप देते आए हैं। निरंजन निराला जी, निशा जी आज बहुत अच्छी लग रही हैं, थैंक यू निरंजन जी। रोहित पांडे आपसे ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू बा, थैंक यू सिकंदर जी। निक लागत बाड़ू, ओ दीपू जी थैंक यू। गोपाल जी क्या हाल है? अच्छी हूँ गोपाल जी। अजय मिश्रा भोज, ब्यूटीफुल लुकिंग भोजपुरिया क्वीन, थैंक यू अजय। हेलो यार सुनील जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? कभी आप कमेंट में लिखते हो कि बक्सर में अच्छी जगह नहीं है क्या, फिर लिखते हो बरहपुर में अच्छी जगह नहीं है क्या? डियर हर जगह अच्छी है, बट शूटिंग के अकॉर्डिंग लोकेशंस डायरेक्टर फाइनल करते हैं ना, ये शूटिंग हम लोगों ने फाइनल किया है, हर जगह अच्छा है। आप ऐसी बातें क्यों लिखते हैं आप? बोलबम निशा जी, बोलबम रोहित जी, मैं दुआ करता हूँ कि आपका गाना हमारे भोजपुरी समाज में काफ़ी धूम मचाए, बेस्ट ऑफ लक दीदी। थैंक यू आकाश, लव यू सो मच भाई। अभी कहाँ पर हैं आप? हेलो अभिषेक सिंह राजपूत जी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हैं? और हेयर स्टाइल मस्त लगता, थैंक यू निरंजन जी। हेयर स्टाइल मस्त बा, थैंक यू बा।
गोलू पाठक बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच गोलू जी। और एक बात और मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पे मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिससे मैं अपने सारे गाने वीडियोस और फेसबुक लाइव वीडियोस, इवन मैं जो अभी लाइव आई हूँ, ये वीडियो भी मैं अपने अपना ऑफिशियल चैनल से अपडेट करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लिखेंगे निशा दुबे ऑफिशियल तो आपको चैनल मिलेगा। आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। अजय मिश्रा पिकअप गड़िया जाता। अच्छा हाँ, एक्चुअली पिछले साल एक गाना मैंने गाया था जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था पब्लिक का। मैं सावन में हर साल देवघर जाती हूँ, इवन इस साल भी जाऊँगी, तो वहाँ इस गाने की रिस्पांस बहुत अच्छी थी कि हम रोटी कट कर रहा था बलमुआ पिकअप गड़िया जाता। तो ये पिछले साल का गाना है लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, तो आप सब पिछले साल के गाने भी सुन सकते हैं, इस साल के गाने भी सुन सकते हैं। चलिए मैं आप सबको लेके चलती हूँ सेट पे और फिर मैं आपसे टाटा बाय बाय करूँगी, क्योंकि गाना स्टार्ट होने वाला है, गाना भी करना है मुझे। मैं अभी खाली टाइम में थी एक्चुअली, वो शंकर पार्वती जी वाले गाने चल रहे, तो मैं अभी फ्री टाइम में बैठी थी और काफ़ी टाइम भी हो गया था आप सबके बीच में लाइव आए हुए, आप सबसे बात किए हुए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा परेशान कर लूँ मैं आप लोगों को। तो परेशान नहीं होते ना मेरे मेरे बाबा ऐसे, मैं इतना पकड़ बोलती हूँ तो नहीं होते होंगे, मुझे पता है आप सब बहुत स्वीट है, आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो परेशान नहीं होते ना। हे लोग किधर जा रहे हैं वो लोग? कहाँ शूट करने जा रहे? ऊपर पहाड़ पे दत्त, मैं आपको और लोकेशंस दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं लाइव आती हूँ ना, उसके रीजंस ये होते हैं कि कहीं कहीं मुझे लोकेशन इतने प्यारे दिखते हैं, मुझे मेरी इच्छा होती है मैं आप सबको भी दिखाऊं। ये देखिए, यू कैन सी दिस वन सुपर्ब ना, सी हमारे कुछ फ्रेंड्स अभी आए हैं, तो मैं आप सबको भी एक बार फिर से बता दूं, मेरे एल्बम का नाम है ब्यूटीफुल नगरिया बाबा के, जिसका कि पोस्टर रिलीज़ हो चुका है, MP3 कल या परसों MP3 भी रिलीज़ हो जाएगा। और आज मैं शूटिंग कर रही हूँ, तो जिस दिन MP3 रिलीज़ होगा उसके जस्ट नेक्स्ट डे वीडियो भी रिलीज़ हो जाएगा। हो बाप रे, मैं थक गई। तो आप सभी लोग मेरे इस एल्बम को ज़रूर सुनिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हाय हाय रोहित जी, हम लोग स्वीट है पर आप तो क्वीट है। अच्छा अच्छा, लड़का बिगड़ा था। दीपक सिंह जी, अनूप दुबे जी, राइटर राजू, हाय निशा जी, हेलो, हाय संगीता दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गिर जाएंगी? नहीं गिरूंगी, मैं बहुत संभल के चलती हूँ। दिव्यांक राज, लव यू निशा जी, लव यू टू, लव यू ऑल ऑफ यू। गोल्डन बिहारी, हेलो, का हाल बा? बढ़िया बा, आप बताई कैसन बा? उमेश कुमारी, निशा जी कहाँ से हैं आप? उमेश जी वैसे तो मतलब देखा जाए तो बिहारी ही हूँ, बिहार से हूँ, लेकिन मेरा बॉर्न एंड बॉटम झारखंड में हुआ है, झारखंड के रांची में मेरा जन्म भी झारखंड में हुआ, पढ़ाई लिखाई भी झारखंड में हुई, तो मैं फ़िलहाल खुद को झारखंडी ही मानती हूँ। एंड पिछले कुछ सालों से मैं बॉम्बे में रह रही हूँ, तो सोच लो आप। कुमार विश्वास, हेलो चंदन जी, हेलो चंदन जी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मैम आप थक जाएंगी तो हमारा क्या होगा? अनूप जी, ओके ओके ओके, आप देवघर सावन में MPCI आते हैं? हाँ अरविंद चौबे जी, मैं हर साल सावन में देवघर आती हूँ और कुछ दिन वहीं पे रहती हूँ। हेलो रोशन, हर हर महादेव मैम जी, हर हर महादेव। सिंगर आदित्य मिश्रा, हाँ आदित्य पहचान रही हूँ, थैंक यू धर्मराज जी, आप पर महादेव की कृपा बनी रहे, थैंक यू सो मच अजय जी।
ओके दीपक जी, आप मुझे बक्सर में मिले थे, सॉरी मुझे रिमेम्बर नहीं है, बट हो सकता है मिले होंगे हम। बहुत सुंदर लग रही है, थैंक यू दीपक जी। प्रणय तिवारी, प्रणय, अरे यार क्या सवाल है, आपकी शादी हो गई है क्या? क्या बताऊँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा लाइव नहीं होता मेरा जब मैं लाइव आऊँ और ये सवाल ना उठते हो, ऐसा क्यों होता है? ये इम्पोर्टेंट है क्या शादी करना? जब होगी तो अभी कर लूँगी, फिलहाल नहीं किया, सॉरी। महादेव रोशन, राजकुमार जी क्या हाल है? अच्छी हूँ राजकुमार जी, आप बताइए। सुशील राजपूत जी कैसी है मैडम? अच्छी हूँ सुशील जी। हेलो राजीव राणा जी, थैंक यू दीपक सिंह जी, आपका सॉन्ग हिट हो, थैंक यू सो मच। अभी कहाँ पे शूट हो रहा है? मैंने बताया आपको कि मैं अभी बनारस में हूँ, बनारस से 50-60 किलोमीटर आगे एक बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मैं उस लोकेशन पे हूँ, शूट कर रही हूँ। एल्बम का नाम सही से, ओके हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, मैं उसको भी सही कर देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क का भी बहुत इशू है, तो मैं ऐसे नेटवर्क में आके और फटाफट लाइव आई हूँ ताकि मैं आप सबसे बात कर सकूँ, नहीं तो कहीं नेटवर्क चला गया तो फिर बात नहीं हो पाएगी, तो जल्दी जल्दी में हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, मैं उसको भी सही कर देती हूँ। पूजा जसवाल कैसे हो? निशा जी अच्छी हूँ, आप कैसे हो? वेरी गुड, थैंक यू विशाल। मैं अभी ऐसे धीरे धीरे चल चल के जा रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ऐसा है, मतलब लाइक बहुत अप है, तो मैं अभी धीरे धीरे चल के जा रही हूँ और सेट पे पहुँच के आप सबको मैं शूट दिखाती हूँ। बापरे, रंजीत लाल यादव हेलो, योगी भाई हेलो, हेलो हेलो हेलो, राजीव राणा जी सुपर डुपर लुक नाइस लुकिंग, थैंक यू राजीव जी। हमारे फेसबुक पे कुछ प्रमोटर्स हैं जो कि मुझे फेसबुक पे हमेशा प्रमोट करते हैं, जैसे कि अजय मिश्रा है, राजीव राणा जी है, संतोष कुमार गुप्ता जी है, और अभी एक भाई है मेरा दीपक है, और किसका किसका नाम लूँ, भोजपुरी भाई राजीव रंजन ओझा जी हैं, और भोजपुरी के कुछ पेजेस भी हैं जो कि हमेशा मेरे फ़ोटोज़ मेरे लिंक्स डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट्स करते रहते हैं, तो ये सब थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। एक्चुअली इन लोगों का नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं हमेशा तो नहीं लाइव आ पाती हूँ, हमेशा फेसबुक पे अपडेट नहीं रह पाती हूँ, पर ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमेशा मुझे मेरे फ़ोटोज़ मेरे वीडियोस कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, जिसके ज़रिए मैं आप सबके बीच में अपडेटेड रहती हूँ, तो इन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया है। बाप रे थक गई मैं, लेकिन फाइनली पहुँच भी गई। आइए मैं आपको शूट दिखाती हूँ। सबको MP3 के साथ मैंने आपको वीडियो दिखाया, तो से थैंक यू फॉर मी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, मजा आ रहा होगा आप सबको भी। ए डायरेक्टर साहब कहाँ घूम रहे हैं? लाइव देखे आपको तो आ गए। अरे आपका रोहित पांडे छोटन कब से देख रहा है, फालतू फालतू कमेंट कर रहा है गंदा लड़का। क्या बोले?
मैंने बोला कि आप भाई? सब बहुत स्वीट है, तो मुझे बोलता हम सब तो स्वीट है, आप तो क्वीट है। आप शादी कब कर रही हैं मैडम? ये सवाल हर बार पूछा जाता, पता नहीं क्यों। बता दीजिए लोगों को। क्या बताऊं, करूंगी करूंगी तब तो बताऊंगा, अभी किया नहीं तो क्या बताऊं। टाइम बता दीजिए, कोई 4-5 साल का। हाँ राइट। हाँ तो मुझे आशीष जी ने ये सजेशन दिया है कि कुछ भी बोल दीजिए कि शादी कब कर रही, तो मैं बोल दे रही हूँ कि मैं शादी 5-6 साल बाद करूंगी। अच्छा खासा जी रही हूँ यार, खुशी खुशी जी रही हूँ। क्यों क्यों वाट लगाना चाहते हो शादी वादी करवा के, डिस्गस्टिंग। शुभम राजपूत, हेलो हेलो शुभम जी। नितिन कुमार यादव, थैंक्स सिस्टर, वाई थैंक्स। महेश राज बाबू, कैसी है निशा जी? मैं अच्छी हूँ महेश जी, आप कैसे हैं? अखिलेश कुमार जी, फाइन सॉन्ग, थैंक यू। सॉन्ग है हरे राजा हो राजा गाजा, कहो मैं पिया तू कच्चा हरे लगा के। दिवाकर विश्वकर्मा, कैसा हस्बैंड चाहिए? बट रब्बिश यार, हम यहाँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, आपको हस्बैंड की चिंता पड़ी है। तो चलिए फाइनली अब गाना क्योंकि ख़त्म होने को है, तो मेरा भी बुलावा आने ही वाला है, तो अब मैं आप सबको टाटा बाय बाय कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत देर से लाइव हूँ और आप सबका बहुत प्यार मिला, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मे बी 1000+ लोग हैं शायद अभी, हाँ 1000+ लोग हैं। तो आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एल्बम का नाम एक बार फिर से मैं आप सबको बता दूँ, एल्बम का नाम है ब्यूटीफुल नगरिया बाबा के, एक बार फिर से याद कर लीजिए, ब्यूटीफुल नगरिया बाबा के, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से रिलीज़ होने वाला है, और ये कल आपके बीच MP3 होगा, कल से परसों के बीच में। तो प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा, और हर साल की भांति इस साल भी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना दुलार मुझे ज़रूर दीजिएगा। और जो मेरे देवघर के लोग हैं, भाई लोग जो देवघर आने वाले हैं सावन में, मैं भी आने वाली हूँ, खूब रॉक करेंगे हम लोग, हर स्टेज पर मुलाकात होती है हर साल, इस साल भी मुलाकात होगी। तो और साथ साथ क्या बोल रही थी मैं, हाँ मेरा चैनल जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मेरा ऑफिशियल चैनल है निशा दुबे ऑफिशियल के नाम से, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझसे जुड़े रह सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको यूट्यूब खोलना है और यूट्यूब पे सर्च करना है निशा दुबे ऑफिशियल, तो आ जाइए निशा दुबे ऑफिशियल, बस आप उस आपको चैनल मिल जाएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। आइए एक और आर्टिस्ट हमारे बीच है, आइए। हेलो, ये सोनू गुप्ता जी है, सोनू गुप्ता उर्फ लाइव मैन, ये अच्छा। अपने आईडी से लाइव बहुत आते हैं। ओके कैसे आप सब? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनका सावन गीत का, जो शंकर जी का मैंने कैरेक्टर इसमें किया है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा था, सुपर गाने थे इनके, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं इनका एल्बम आया हूँ करने के लिए, आगे का नहीं पता है लेकिन करेंगे का करेंगे पता है। ओके बिल्कुल करेंगे। ओके तो डन है, थैंक यू। लाइव बोली आप? हाँ मैं अपने ग्रुप के लोगों को नहीं छोड़ती हूँ। ओके ओके, तो आज से मैं इनके ग्रुप के लिस्ट में शामिल हो चुका हूँ, मैं आशा करता हूँ कि हमेशा शामिल रहूँ और बहुत अच्छे से, दिल से, प्यार से और अच्छे से जुड़ा रहूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। ओके आप आईडी नहीं से अपने लाइव नहीं आए अभी तक? हाँ नहीं है, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, सॉरी गाइस नेटवर्क नहीं है मेरे। इसलिए आज मैं शांत हूँ। ओके आपको तो इतना लाइक कमेंट सारा चीज़ मिल ही रहा है, देखिए अभी 1100 लोग भी कम हो गए। हाँ तब बहुत सही है। मैं okay. बहुत दिन बाद लाइव आती हूँ ना, सो दैट्स व्हाई। बहुत अच्छा लग रहा है और आप सारे लोग इंजॉय करिए, मस्ती करिए और इनके गाने को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए। एक बार फिर से आपको एल्बम का नाम रिमेम्बर कर दूँ, ब्यूटीफुल नगरिया बाबा के, तो इस एल्बम को आप लोग जरूर सुनिएगा और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा की तरह हम लोग बनाए रखें, और शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस मिले, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ और अलग करेंगे। और आज हम लोगों ने जो लाइव किया है, आप लोग को बहुत कमी ऐसा देखने के लिए मिलेगा। हाँ मैंने लोकेशन दिखाया यार, लोकेशन वगैरह सारा चीज़ आपने देखा, बहुत प्यारा है। जरगो बंदा डैम, कौन सा बंदर? बंदर नहीं, कौन सा बंदर? जरगो बंदा, जरगो बंदा। Okay. मैंने बोला था ना मुझे ये डैम है, हाँ ये डैम है, मैं आप लोग को बता दूं, बहुत दूर बनारस से थोड़ा दूर पे है। जरगो बंदर, जरगो बंदा, जरगो बंदा। तो ओके ओके बाय, ओके फ्रेंड्स, ओके बाय बाय, मैं भी अब लाइव एंड कर रही हूँ।
तो याद रखिएगा देव ब्यूटीफुल नगरिया बाबा के, और अपना प्यार अपना आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर बनाए रखिएगा। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू।